अल्हम्दुलिल्लाह, देखें प्लेट में रेडी हो गया। अभी अभी इसको खाने के लिए अभी चाय, एक कप चाय का बना लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज हम पराठे बनाएंगे। उसके लिए ये आटा डाल लिया, इसमें एक चम्मच सॉल्ट डाल लिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें इसको डफ कर लिया है, आटा गूंद लिया। अभी देखें, अभी इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पेड़ा बना लिया है, नॉर्मल पराठा बनाएंगे। इसको बेल लेंगे, ये खुशका लगा लिया था इसको। नॉर्मल पराठा बनाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, घी लगा लेंगे, घी लगा लेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, घी लगा लिया है। अभी इसको फोल्ड कर लेंगे इसको। एक साइड से काट करके इसको, ये सिंपल सिंपल पराठा है, बहुत ही आसान है बनाना भी। ये देखें, और इस तरह करके पेड़ा ये बना दिया। अभी इसको रख देंगे इस तरह। इसको तकरीबन इस तरह पेड़े बना के आप 5 से 10 मिनट छोड़ दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको पराठा बना लेते हैं। इसको हाथ से इस तरह कर लें। अभी इसको लगाएंगे थोड़ा सा खुशका। खुशका लगाने के बाद अभी इसको बेल लेंगे। इसको इस तरह करके बड़ा बड़ा कर लेंगे। अभी इसको फिर थोड़ा सा खुशका लगा लेंगे इसमें, या ऑयल लगा लें या खुशका लगा लें, जो आपको पसंद है। मुझे ज्यादा ऑयल पसंद नहीं है, इसलिए ये हो गया। अभी इसको बेल लेंगे इस तरह करके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको बेल लिया है। अभी इसको तवे में डालते हैं। मैं एक बंदा हूं तो साथ कैमरा कोई उठाने वाला नहीं है, इसलिए कैमरा पहले फिट करना पड़ता है और उसके बाद फिर इसको जो है ना उठाना पड़ता है। अभी तवे के ऊपर फिट करते हैं, फिर उठाता हूँ इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अभी इसको तवे में डाल लेंगे। 2 3 4 बार इसको इस तरह कर लेंगे ताकि सीधा हो जाए पराठा बिल्कुल। और अभी इसको देखें डाल लेते हैं इधर, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ, साथ शूटिंग करने वाला कोई नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसका साइज चेंज करेंगे। अभी इसको लगा लेंगे, इसको घी लगा लेंगे इसके ऊपर। इसको इस तरह करके घी का अभी इसकी साइड दोबारा चेंज करेंगे। अभी ये ले लें, हाथ ना जले, ताकि जब भी ऑयल लगा होता है तो पराठा बहुत गर्म हो जाता है। अभी साथ साथ हिलाते रहिए ताकि पराठा जले नहीं। अभी इस तरफ भी घी लगाएंगे इसके, घी लगाएंगे। और अभी इसको उल्टा कर लेंगे। देखें कितना बेहतरीन कलर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आग मीडियम रखिए, अभी इसको उल्टा कर लेते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन पराठा बन रहा है। आग तेज रखेंगे तो पराठा जल जाएगा, स्लो फ्लेम
फ्लेम में पकाइए। अल्हम्दुलिल्लाह देखे कितना बेहतरीन ये पराठा सहरी के लिए पराठा बन रहा है। कितना नाइस इसका कलर आ रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पराठा रेडी हो गया। देखें इसकी दोनों साइडें देख लें, ये देख लें, दूसरी साइड भी देख लें। अभी इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पराठा बिल्कुल तैयार हो गया। अभी ये देखें, ये बिल्कुल देखिए, ये देखिए बिल्कुल नरम। इसकी लायरें जो है ना बिल्कुल अलग अलग इसकी लायरें हो गई हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही नरम है अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में भी ये देखिए, ये बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सहरी के साथ अंडे का हाफ फ्राई अंडा बनाएंगे। इसके लिए ऑयल डाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। इसमें साल्ट डालेंगे, साल्ट डाल दें, ये ब्लैक पेपर डाल देंगे इसमें, और इसको हल्की हल्की आग में ढक्कन लगा देंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको देख लेंगे अभी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें बहुत ही प्यारा भी रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरी में बिल्कुल रेडी हो गया। अभी सहरी के लिए आपका ब्रेकफास्ट सुबह का, ये देखिए बहुत ही मज़े का बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह देखें प्लेट में रेडी हो गया। अभी इसको खाने के लिए अभी एक कप चाय का बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कप चाय का बना लेंगे। इसमें पानी डाल लेंगे, एक कप पानी डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दो सब्ज़ इलायची डाल लेंगे, ये सौंफ डाल लेंगे। आपको पता है सुबह नाश्ते में तो चाय के बिना, सहरी में चाय के बिना तो सहरी होती नहीं है। चाय बहुत ज़रूरी है, इसलिए अच्छी चाय बनाना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्राउन शुगर डाल लेंगे। ये मैंने देसी गुड़ रखा हुआ है, वो डालता हूँ। इसमें एक चम्मच टी पाउडर डाल लेंगे। अभी इसको पकाएंगे तक, अच्छी तरह पानी पकने तक इसको पकाएंगे तकरीबन एक मिनट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कावा पक गया, रेडी हो गया। अभी इसमें दूध डाल लेंगे इसमें। सुबह सुबह बहुत ही मज़े की चाय ज़रूरत होती है सहरी के साथ, नाश्ते के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाय रेडी हो गई है जी सहरी के लिए। अभी इसको स्टैंड कर लेते हैं।